ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है ओम गणपति समाधान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 मई रविवार आज के कुंभ राशि फल के बारे में कि इस दिन इनका व्यवसाय और बिजनेस कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और आज के दिन इनको कौन कौन सी सावधानियां रखनी होंगी और कौन कौन से उपाय करने होंगे जिससे आज का दिन शानदार और सफलता भरा रहे। दोस्तों वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को दबाएं जिससे आप तक समय समय पर नई नई वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों आज का दिन आपके लिए सामान्य से थोड़ा बेहतर रहेगा और आप अपने खर्चों पर अंकुश लगाने में कामयाब हो सकते हैं और उसमें आपको कुछ सुकून भी मिलेगा। काम की व्यस्तता के चलते आप परिवार को कम समय दे पाएंगे। साथ ही आज आप काफी भागदौड़ से भरा रहेगा आपका दिन, जिससे आपके अटके हुए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। साथ ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आज यात्रा का योग है और यात्रा को अच्छे से प्लानिंग करें और यात्रा पर जाने से पहले अपने स्वास्थ्य को अच्छी तरह से जांच परख लें। संभव हो तो आज ऑफिस से छुट्टी ले लें और घर पर ही आराम करें, इससे आप मानसिक रूप से भी प्रसन्न रहेंगे और आज अचानक कुछ अच्छे परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। आज का दिन बेहतर हो जाएगा जिससे आप हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। विवाहितों के लिए आज का दिन प्रेम जीवन को और बढ़िया और उत्तम बना देगा, जिससे आपके अंदर प्यार का एहसास होगा। व्यापार के सिलसिले में बेहतर नतीजे मिलेंगे और साथ ही विदेशी संपर्कों से आपको लाभ होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव वाला है। आज आपको हाथ दबाकर धन खर्च करने की जरूरत रहेगी, अन्यथा धन की तंगी हो सकती है। साथ ही किसी को धन उधार देते समय सावधानी रखने की भी जरूरत होगी। आर्थिक चिंता के साथ साथ शारीरिक कष्ट की भी संभावना है, इसलिए वाहन और मशीनरी के प्रयोग में इस्तेमाल में सावधानी रखें। साथ ही यात्रा दौरान अपनी सेहत और सामान दोनों का विशेष ख्याल रखें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपका व्यवसाय कैसा रहने वाला है। इस समय व्यवसाय को बढ़ाने के लिए पार्टनरशिप लाभदायक साबित हो सकती है और कार्य का दायरा भी इससे बढ़ेगा। साथ ही आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा और नौकरी में स्थानांतरण की संभावना बन रही है। साथ ही साथ प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात आपके व्यवसाय को तुरंत गति प्रदान करेगी, इसलिए अपने कार्यों के प्रति आप ईमानदारी से समर्पित रहें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा और प्रेम जीवन में निखार आएगा, इससे आप दोनों की नजदीकियां बढ़ जाएंगी और साथ ही मनोरंजन संबंधी कार्यों में समय व्यतीत होगा, इससे दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी। प्रेम संबंधों के लिए बेहतर समय रहेगा, की गई कोशिशों से आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों आपको कई बार आगाह किया गया है स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए आप इसे गंभीरता से लें और तुरंत इलाज कराएं। इसलिए मेडिटेशन और योगा पर अधिक ध्यान दें जिससे समस्या तुरंत समाप्त हो सके और नियमित योग करें, प्राणायाम करें और अधिक स्वस्थ रहें। दोस्तों आज आप ये उपाय अवश्य करें, चींटियों को आटा डालें और सूर्य देव को जल अर्पित करें और इस मंत्र का 108 बार जाप करें, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। दोस्तों इससे आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होंगी, आपको सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त हो। कमेंट में जय सूर्य देव ऐसे लिखें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।